काफी समय से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग पतंजलि के नकली प्रोडक्ट बनाने तथा पतंजलि की फर्जी डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने के नाम पर अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाल शर्मा जी द्वारा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत नोएडा साइबर सेल ने ऐसे गिरोह के दो अपराधियों को पकड़ा जो देश के विभिन्न राज्यों में पतंजलि की फर्जी डिस्ट्रीब्यूशन शिप दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। ये पिछले साल वर्ष 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था ऑनलाइन फ्रॉड का। इसमें नोएडा के रहने वाले एक ज्वेलर हैं, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नोएडा और गाजियाबाद ज़िले के लिए। जिस साइट पर उन्होंने अप्लाई किया था उसी से उनका जो भी उनसे उनका लेन देन था, जो भी उनका ट्रांजेक्शन था, वो सारा ऑनलाइन था। जो ऑनलाइन से मांगा गया, शुरू में इनसे अलग अलग अमाउंट मांगे गए। पहले उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे पैसे मांगे गए, वो उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिए। उसके बाद इनके द्वारा बाद में दोबारा से मांगा गया, सिक्योरिटी मनी मांगी गई, तो कुल मिलाकर इनसे 10 लाख रुपये इन्होंने मांगे थे, 10 लाख रुपये इन्होंने पे कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने इनसे फर्दर इनसे कहा कि नहीं भाई, हमें 6 लाख रुपये फर्दर और चाहिए। तो इन्हें कुछ शक हुआ और जब इनसे पूछा गया कि 6 लाख रुपये अब किस चीज़ के लिए चाहिए, तो इनका ये कहना था कि जो होलसेलर वाली इसका लाइसेंस होता है उसके लिए 6 लाख रुपए का अमाउंट और देना होगा। जब इन्होंने इसकी जांच की, इन्होंने इनसे पर्सनली मिलने की बात की, तो इन्हें शक हुआ क्योंकि उस पार्टी ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद ये FIR रजिस्टर हुई नोएडा में सेक्टर 20 थाने में, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और क्योंकि साइबर क्राइम का मामला था तो साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं हमारे यहाँ, उनके द्वारा विवेचना ग्रहण की गई। इसके बाद अब इसमें जब निकल के आया है तो इसमें दो लोग हैं जिनकी अभी हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक इसमें समीर शर्मा है जिनके द्वारा ये फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, और दूसरे इसमें अनूप वर्मा हैं जो इस पूरे के पूरे रैकेट को इस तरह से चला रहे थे। इनके तीन और भी साथी हैं जो अभी वांछित हैं, इनकी गिरफ्तारी शेष है, जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक जब जो इनसे इंटरोगेशन हुई है उसमें जो फैक्ट्स निकल के आए हैं, ये चौथे व्यापारी थे जिससे जिनके साथ ये फ्रॉड किया गया था। इससे पहले तमिलनाडु के दो व्यापारियों के साथ, एक चेन्नई से थे, एक केरला के व्यापारी के साथ, और ये चौथे व्यापारी थे। वर्तमान में भी नोएडा के ही एक और व्यापारी के साथ इनकी इस बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई थी, अंडर प्रोसेस थी। इसी में हमारी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इन दो की गिरफ्तारी की है। शेष तीन अभी वांछित हैं, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनसे अलग अलग अमाउंट इन्होंने लिए हैं। जो अप्रैल 2017 में केरल के व्यापारी से फ्रॉड हुआ था, इसमें 8 लाख रुपये का अमाउंट गया था। जो मई में तमिलनाडु के व्यापारी से इसमें फ्रॉड किया गया, उसमें 12 लाख रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व था। जो अगस्त में चेन्नई के व्यापारी से हुआ था, उसमें भी 14 लाख रुपए का अमाउंट गया था। ये अक्टूबर का मामला है। जो नोएडा का है, राजेंद्र वर्मा जो ज्वेलर हैं, उनके साथ घटना हुई थी, इसमें 10 लाख रुपए गए। असल में हम लोग इनके अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और अभी हमारे पास एक और भी चीज़ है, इसकी रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल वेबसाइट ही फेक बना रहे हैं, हो सकता है ये गलत तरीके से प्रोडक्ट्स भी बना के इसमें काम करते हो। तो PCR पे इन्हें लिया जाएगा और उसके बाद इसमें फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी, और फर्दर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अमाउंट की बात हो या फर्दर इनका जो भी रैकेट है, उसे और बेहतर तरीके से उस पर काम किया जाएगा। ये इसमें जो समीर शर्मा है, ये वेबसाइट बनाने वाले थे फ्रॉड तरीके से, और इसमें जो अनूप हैं, ये इसमें हेड हैं, इनके सरगना हैं इस पूरे ग्रोह के। ये इसमें जो तीन लोग इसमें फरार हैं, एक रोशन नाम के हैं, प्रेस नोट में मेंशन किया हुआ है। ये इन्होंने एक फर्जी अकाउंट अवेलेबल कराया था। एक विकास हैं, इन्होंने हैदराबाद में SBI का एक अकाउंट अवेलेबल कराया था। और एक इसमें बीरू हैं, जो एक बार इन्होंने इनसे फ़ोन से वार्ता की थी तो खुद इन्होंने आचार्य बालकृष्ण बन के बात की थी। BA बन के जो बात करते थे वो खुद जो इसके सरगना हैं अनूप वर्मा, वो खुद इसमें उस तरह से बात करते थे। इनसे जो इंटरोगेशन हुई है उसमें इन्होंने इससे पहले तीन मामले स्वीकार किए हैं, चौथा मामला हमारे यहाँ का है, पांचवा मामला प्रोसेस में था जो अभी पूरी तरह से ग्राउंड पे नहीं आ पाया। जो वेबसाइट इसमें बनाई गई थी उसके जो ऑनलाइन आपको इसमें प्रिंट दिखाई देते हैं, बाकी आप लोगों को अवेलेबल भी हमने कराए हैं। अभी तक इसमें जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है, 8 लाख रुपये एक अमाउंट है, 12 लाख का एक अमाउंट है, 14 लाख एक अमाउंट है, और 10 लाख इस वाले मैटर का अमाउंट है जो इन्वॉल्व है। पतंजलि की तरफ से इसमें कोई शिकायत नहीं की गई है। नोएडा के एक व्यापारी हैं जिन्होंने इस बारे में अपनी शिकायत की थी, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं, अभी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ इसमें। पहले कस्टमर का नाम पूछते थे, आपका नाम क्या है, जब वो नाम बताते थे फिर उनसे पूछा जाता था आप क्या लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर। जब वो रिप्लाई देते थे कुछ भी, तो उनसे इन्वेस्टमेंट पूछते थे, जो इन्वेस्टमेंट रहता था उस हिसाब से उनसे पैसे
मांगते थे। हमारे गांव के बगल में कुछ लोग करते थे पहले से। अच्छा, कितने मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं था। अकाउंट वो वही का देने वाला एक था, वो अकाउंट देता था, उसी अकाउंट पर पेमेंट आते थे। हमने चार लोगों के साथ किया। पतंजलि योगपीठ नोएडा पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई देती है। सभी देशवासियों से निवेदन है कि पतंजलि आयुर्वेद के डिस्ट्रीब्यूशनशिप या सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने की वेबसाइट patanjaliayurved.org के डाउनलोड सेक्शन में जाकर सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और धोखे से बचें।